राजधानी लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मामूली विवाद में एलएलबी के छात्र पर फायरिंग की गई है। बेखौफ बदमाशों ने छात्र को गोली मार दी। तो बदमाशों के हौसले बुलंद, राजधानी लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, बेखौफ बदमाशों ने छात्र को गोली मार दी। ये छात्र एलएलबी का था। डीसीपी पूर्वी कार्यालय से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लखनऊ के थाना गोमती नगर क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आर के पाल हमसे जुड़ गए हैं। आर के पाल, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ के थाना गोमती नगर क्षेत्र के पास का ये पूरा मामला है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया घायल को, लेकिन इतने हौसले बुलंद हैं दबंगों के कि एक छात्र को सरेआम उन्होंने गोली मार दी। आपको बता दें, लखनऊ के थाना गोमती नगर हमेशा सुर्खियों में रहा। अभी कुछ दिन पहले विभूतिगढ़ थाना क्षेत्र में गैंगवार हुआ था, जिसमें हत्या कर दी गई, जिसके बाद ये कल देर रात एलएलबी के छात्र को गोमती नगर थाना क्षेत्र में गोली मार दी गई। और उस युवक की माने तो उसकी मामूली से विवाद हो गया था। उसने अपने ना फोन करने से, अपने फोन नंबर से ना करके दूसरे के फोन से फोन कर दिया, जिसके चलते धनंजय सिंह नाम के युवक ने, अंकुर नाम का युवक है, उसको गोली मार दी, जिसके कमर के नीचे गोली लग गई है और वो वहीं गिर गया। जिसके बाद उसे पुलिस को सूचना दी लोगों ने और पुलिस मौके पहुंची। पुलिस ने उसे तुरंत आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया, पहले लोहिया अस्पताल में, जहां पे डॉक्टर ने उसे रिफर कर दिया था ट्रामा सेंटर के लिए, जहां ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया। अभी फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और आरोपी युवक अब पुलिस की गिरफ्त में भी है। जी बिल्कुल, जरा जरा सी बात पे आपा भी खो देना, और इसके साथ ही प्रशासन लगातार दावे करता है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और मजबूत किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके पुलिस का खौफ नहीं दिखाई पड़ता है। दबंग अपनी दबंगई दिखाते हैं और सरेआम गोली भी मार देते हैं, और वो भी एलएलबी के छात्र को। ये आपको बता दें, जब से कमिश्नरी लागू राजधानी की कानून व्यवस्था पूरी स्वस्थ है, लेकिन खाली उनके बोलने पे ही है कि कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन जिस तरह से कल ये घटना हुई, लगातार घटनाएं हो रही है, उससे यही लगता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की पूरी तरह से ध्वस्त है। इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि परिजनों से आपकी बातचीत हुई और लगातार आप पुलिस अधिकारियों के संपर्क में भी हैं, कि अगली अपडेट अब क्या है, परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या उनकी तरफ से मुकदमा वगैरह दर्ज करा दिया गया है? दे दी गई थी युवक की तरफ से, लेकिन वही अधिकारियों के रात में इस मामले में जब अर्जेंट मांगा गया तो अर्जेंट रात तक, देर रात तक कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं था। जी बिल्कुल आरके पाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।